हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप। उम्मीद करते काफ़ी अच्छे होंगे। JCL T10 सीरीज के साथ हुए मैच के बारे में बात करेंगे। मुकाबला KRW वर्सेस TTT के बीच में मैच खेला जाएगा। सीरीज़ का एक और बेहतरीन मुकाबला जो आप सभी के इन्वेस्टमेंट पर्पल से मैच काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और इस वीडियो में गाइस हम डीपली एनालिसिस करेंगे किस प्लेयर को यहाँ से आप सबको अपने स्मॉलेस्ट टीम्स में पिक करके चलना है, किस प्लेयर को हमें अपने ग्रैंड लिस्ट टीम्स में पिक करना है, विद जो भी हमारे लिए कैप्टन और वाइस कप्तान के इंपॉर्टेंट और डिफॉल्ट प्लेयर्स रहेंगे इनके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे इस T10 मैच में कौन से वे प्लेयर है जो आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करा कर देंगे और कौन से वे बॉलिंग ऑप्शन है जो इस मैच में आपको बॉलिंग से विकेट्स निकाल कर देने वाले और कौन से प्लेयर दो ओवर के बॉलिंग कराएंगे, ये सारी चीज़ें डिटेल्स में जानेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि जो भी इनकी पिच रिपोर्ट, बैटिंग ऑर्डर, प्लेइंग 11 होंगे और खास करके जो हमारे लॉजिक बेसिस पर डिफरेंशियल ऑप्शंस रहेंगे इनके बारे में भी जानेंगे। तो एंड तक देखना। और गाइस सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी आने वाली वीडियोस वगैरह होंगी गाइस इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलता है। वैसे भी गाइस आप सभी लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को भी हमारे ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात करेंगे सबसे पहले इनकी प्लेयर इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये जो मुकाबला है 6:30 बजे करीब ये मैचेस शेड्यूल्ड है। अगर हम इनकी वेन्यू की बात करेंगे तो ये मुकाबला सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड के अंदर ये मैच दिखेगा। देखो एवरेज स्कोर जो इसका है ना वो आपको 80 से 110 के आसपास में आपको स्कोर बन तो दिखेंगे। बाकी जो पिच है एक तरह से पेसर्स को अच्छी हेल्प कर रही है वेन्यू पर। रिसेंट के जो 6 मैचेस खेले गए वहाँ पर भी चीज़ें देखने को मिले तो बॉलिंग से थोड़ी पेसर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको इस मैच में दिखेंगे। बाकी हमारे टेलीग्राम के साथ भी जुड़ जाना ताकि जो भी हमारी आने वाले फाइनल टीम्स होंगी या फिर जो भी ग्रैंड लीग स्मॉलेस्ट की टीम्स वगैरह होती है सबसे पहले अपडेट्स टेलीग्राम पे देते हैं। या फिर फर्दर अगर देखो लास्ट के मिनटों में जो भी कुछ भी हमारे टीम्स में चेंजेस होंगे इसकी भी अपडेट्स वगैरह टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा ही देते हैं तो ज़रूर से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। अब दोस्तों यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम KRW की टीम की बात करेंगे तो निपुण ओपन बैटिंग बॉलिंग दोनों ही कराएंगे। कुछ रिसेंट T10 मैचेस खेले गए जहाँ पे 14 का स्कोर, 2 विकेट्स, 3 ओवर्स बॉलिंग, इससे पहले भी देखोगे तो गाइस और ये T20s था उससे पहले भी T10 के मुकाबले खेले हुए। हालांकि इनके जो स्टैट्स वो 2 मैचों में 66 रन, 33 के एवरेज दिखेगा जो राइट हैंडर बैट्समैन प्लस पॉइंट्स पे विकेट कीपिंग से कैचेस के भी पॉइंट्स देंगे तो ये थोड़ी सी सेफ चॉइस रहेंगे जो आप एज अ प्लेयर अपनी बैटिंग सीन को आप लेकर चल सकते हैं। ग्रैंड लीग्स वगैरह खेलना तो वहाँ पे आप इन्हें 11 टीमों में CVC कर सकते हो पर स्मॉल लीग में हम सिर्फ एज अ प्लेयर ही रखने वाले। नवीन की भी बात करेंगे तो 11 मैचों में 213 रन, 21 के औसत है, 8 विकेट्स दिखेंगे जो कि ये भी बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही कराते हुए इस मैच में दिख सकते हैं और आप एज अ प्लेयर इनको अपने स्मॉल लीग में लेकर जाओ। वही अगर हम बात करेंगे जो शुक्ला के बारे में तो राइट हैंडर बैट्समैन है, 11 मैचों में 263 रन, 27 का औसत और 2 ही विकेट्स हैं। नवीन नहीं तो सुबह में से हम किसी एक ही बैटिंग को रखेंगे। हालांकि उसमें यहाँ पे थोड़ी सी नवीन का जो स्टार्ट्स वो बॉलिंग से भी आपको अच्छी दिखेंगी तो आप इनके साथ जाओ। बाकी शुक्ला इज अ ग्रैंड लीग के लिए ज़्यादा सेफ रहेंगे। बाकी यहाँ पर दोस्तों रत्नम की अगर हम बात करेंगे तो 21 मैच 8 मुकाबले में टोटल 21 का औसत 84 रन ही दिखेगा। बैटिंग ऑर्डर कभी कभार इनका 5th डाउन 6th डाउन भी देखने को मिलेंगे पर यहाँ पे जो विनय अय्यर दिखेंगे ना राइट हैंडर बैट्समैन और ब्रेक बॉलिंग टीम के लीड कर रहे हैं CVC के बेस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो चाहे स्मॉल लीग्स हो या फिर ग्रैंड लीग। सब देखो तो 15 मैचों में 402 रन, 67 के एवरेज है, 13 विकेट्स, ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग के लिए भी आते हैं तो आप इनको लेकर जाओ और एक दर टीमों में CVC वगैरह भी करना। वही अगर हम यहाँ से रमन की भी बात करेंगे तो ये भी राइट हैंडर बैट्समैन राइट मीडियम बॉलिंग आते हैं, 33 मुकाबले खेल चुके हैं, टोटल 234 रन, 17 के एवरेज और 30 विकेट्स यहाँ पे भी नजर आएंगे। राइट हैंडर बैट्समैन है, राइट मीडियम बॉलिंग है, अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर है जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही करा कर देंगे तो इनको भी यहाँ से हम इस मैच में लेकर जाएंगे। लेफ्ट स्विंग की बात करेंगे तो 12 मैच में अभी तक 11 विकेट्स मिले, राइट में फास्ट बॉलिंग है, पूरे 2 ओवर्स बॉलिंग कराते हुए इस मैच में दिखेंगे तो आप चाहो तो इनको एज अ बॉलिंग ऑप्शन टीम्स में पिक करके जाना। बाकी तेज उतना खास अच्छा ऑप्शंस है नहीं, 8 मैचों में सिर्फ 6 ही विकेट्स मिला। बाकी यहाँ पर दोस्तों जो प्रियांत नजर आएंगे ना इन्होंने भी 10 मैचेस में 7 विकेट्स निकाले। उपदेश का जो स्टार्ट 6 मैचों में 3 विकेट्स था पर यहाँ पर जो शर्मा है आशीष शर्मा इनको लेकर जाएंगे, 6 मैचों में 11 विकेट्स निकाले, राइट मीडियम बॉलिंग, पूरे 2 ओवर बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे, मोस्ट ऑफ द टीम के ये मेन बॉलिंग ही नजर आएंगे। बेंच में से इनका बेंच प्लेयर थोड़ा स्क्वाड बड़ा है तो ध्यान से देखना, बेंच में से अगर कोई भी प्लेयर यहाँ से खेलता है ना गाइस तो इन सभी प्लेयर्स का स्टैट्स वगैरह आपको मेरे टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करा देंगे तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि अपने टीम में कुछ भी चेंजेस करना हो वो चीज़ें आप चेंजेस कर सकते हो। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप अब तक नहीं ज्वाइन किए तो जल्दी से जाकर जुड़ जाना। अभी जो TTT की टीम है अब देखो इनकी टीम की ओर से यहाँ पर सबसे पहले तो अमया नजर आएंगे जिसमें ये ओपन बैटिंग कराते हुए दिखेंगे। हैंडर बैट्समैन है, आप देखो 23 मैचेस, 440 रन, 26 का एवरेज और 3 विकेट्स दिखेंगे जो कि बॉलिंग इनका कभी कभार ही आता है पर ज़्यादातर जो बैटिंग है ठीक ठाक नजर आएंगे।
उसके बाद अगर हम बात करेंगे अनिल के बारे में, तो इनका 23 मैच में टोटल सिर्फ 273 रन, 15 का ही एवरेज है। विकेट कीपिंग भी कभी कभार आते हैं, बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस वगैरह इनका होते रहते हैं। तो अभी इन्हें आप इग्नोर ही करके जाओ। बाकी अगर आप यहाँ पे नवजीत के साथ जाओ, राइट हैंडर बैट्समैन ऑफ ब्रेक बॉलिंग है, अगर देखो तो 29 मैचेस खेले हैं, टोटल 412 रन, 23 के एवरेज और 15 विकेट्स भी दिखेंगे। राइट हैंडर बैट्समैन ऑफ ब्रेक बॉलिंग के लिए आएंगे, ठीक ठाक प्लेयर से और बॉलिंग बैटिंग दोनों ही करा कर देंगे, तो इस मैच में इनको प्रीफर करें। बाकी अगर हम बात करेंगे जो नलीन है, 4 मैचेस खेले, 133 का औसत दिखेगा। अगर फर्स्ट इनिंग में टीम बैटिंग कराएंगे तो इनको भी यहाँ से इस मैच में हम लेकर चल सकते हैं। थोड़ी सी बैटिंग ऑर्डर आपको इनका नीचे नजर आएगा। वगैरह हम यहाँ पे आमिर की बात करेंगे, 4 मैचेस, 67 रन, 22 रन, 30 विकेट, 3 विकेट्स भी दिखेंगे। टीम्स के ये सेफ बैटिंग ऑलराउंडर प्लेयर है, जिसमें अगर देखो तो बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही कराते हुए आपको इस मैच में दिख सकते हैं। हालांकि इनकी ओवर्स किसी मैच में 1 ओवर तो किसी मैच में 2 ओवर कराए, तो ओवर्स इनकी कटे हुए। अब देखो यहाँ पर करण कुमार की अगर हम बात करेंगे तो 19 मैचेस में टोटल 236 रन, 15 का एवरेज और 14 विकेट्स दिखेंगे। राइट हैंडर बैट्समैन राइट मीडियम बॉलिंग के लिए आएंगे, ठीक ठाक ऑप्शन है, जिसमें बॉलिंग बैटिंग दोनों ही कराते हुए आपको दिख सकते हैं। एज अ बैटिंग तो कुछ खास नहीं है, पर बॉलिंग आपको अच्छे विकेट निकाल के हुए नजर आएंगे। अगर आप अब चाहो तो बैटिंग ऑप्शन बॉलिंग ऑप्शन टीम्स में आप इनको लेकर जा सकते हैं। मोहित सैनी ओरिडीज के 6 मैचों में टोटल 58 रन, 13 विकेट्स ही नजर आएंगे। ओरिडीज के अंदर मैचेस खेलें तो अभी उतना खास अच्छा ऑप्शन है नहीं, एक्सपीरियंस टीटन के अंदर कुछ खास रहेगा नहीं। सुदाम सिंह हसन की बात करेंगे तो 18 मैचों में 15 विकेट्स मिले। राजशाही का 9 मैचों में 7 विकेट्स रहा। अगर आप यहाँ से मनदीप सिंह देखें तो 15 मैचों में 12 विकेट्स, और यहाँ पे पटेल का जो स्टार्ट्स वो 6 मैचों में 8 विकेट्स रहा। देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बॉलिंग से अगर आप देखोगे तो पटेल दिखेंगे, दूसरे ऑप्शन आप मनदीप सिंह में से जाओ। इन दोनों में से किसी एक बॉलिंग ऑप्शन को पिक करना। बाकी यहाँ पर सदाम आपके लिए एक्सपीरियंस वाइज ठीक ठाक बॉलिंग है, 18 मैचों में 13 निकाल चुके हैं, तो अच्छे विकेट टिकर्स रहेंगे। आप चाहो तो राज में से किसी एक को भी पिक कर सकते हैं, पर आप अभी सदाम के साथ ही जाओ। बेंच में से भी जो भी प्लेयर इनके यहाँ से खेलेंगे, बाकी देखो इन सभी प्लेयर्स के स्टैट्स वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करा देंगे, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। अभी तक आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाओ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी के दोस्तों अगर हम बात करेंगे अपनी फैंटेसी टीम्स के बारे में, अब देखो गाइस अगर हम बात करेंगे विकेट कीपिंग ऑप्शन से, तो हमने निपुण को रखा जो बैटिंग से 61 पर सिलेक्शन के साथ दिखेंगे। अब देखो सिलेक्शन वाइज टीम आप क्रिएट कर रहा हूँ तो 92% सिलेक्शन के साथ बहुत सारे लोग इनके साथ जा रहे हैं, आप भी जा सकते हैं। हालांकि हम थोड़ी डिफरेंशियल टीम यहाँ पे क्रिएट किए, आपको प्रीव्यूज दिखा दे रहे हैं, और इस टीम में अगर आप जो कुछ भी चेंजेस करना चाहो वो चीज़ आप चेंजेस कर सकते हो, पर हमारे फाइनल टीम के लिए हमारे टेलीग्राम के साथ भी आप ज़रूर से जुड़ जाना। अब देखो सीबीसी ऑप्शंस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे बिना ईयर आपको दिखेंगे जो कि 4% कैप्टनसी सिलेक्शन के साथ इनको कैप्टन करें, और यहाँ से नवनीत हमारे टीम के वाइस कप्तान है, चेंजेस कर तो वो चीज़ें आप चेंजेस कर सकते हो। पर आप वाइस कप्तान एम सिंह के साथ जाओ या फिर आप तनवर में से किसी एक और टीम में पिक करो, ये चीज़ें आप अपडेट्स कर सकते हो। हमारी फाइनल टीम के लिए हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है। बाकी मिलते हैं मैच टाइम।